ये तो गाइस हम प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे, तो देख सकते हो भाई आए हैं। व्हीली कैसी लगी आपको? अच्छी लगी। ऊपर उठाया बाइक, वो ठीक लगा आपको? ठीक लगा। तुम भी करना चाहोगे? नहीं, क्या नहीं, करोगे तुम? नहीं सर, ये हमको करना नहीं आएगा ना। नहीं आता करना? क्यों, कर सकते हो तुम भी? नहीं आया, नहीं कर सकते। अच्छा चलो ठीक है फिर। है वीडियो आएगी तुम्हारी यूट्यूब पे? ठीक है देख लेना। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस आज हम किसी Z900 पे वीडियो नहीं बनाने वाले। आज अपनी वीडियो रहेगी वो स्पेशल रहेगी अपनी ड्यूक 390 पे, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट्स वगैरह आते हैं कि अपनी जो प्रैक्टिस वगैरह है ना वो आप कौन सी बाइक पे करते हो। तो मैं आपको बता दूं, आज पूरी वीडियो है ना वो अपनी ड्यूक 390 पे होगी, क्योंकि जो प्रैक्टिस वगैरह मैं करता हूँ ना वो ड्यूक 390 पे करता हूँ, चाहे व्हीली की हो, चाहे वो स्टॉपी की हो, या फिर कोई भी प्रैक्टिस हो बाइक से रिलेटेड, वो ड्यूक 390 पे ही करता हूँ। बाकी हमारी एक नई बाइक आ चुकी है स्टंट के लिए, जो रेडी मैंने करवाई है। बाकी आपको दिखाऊंगा आज कि मैं कहां पर प्रैक्टिस करता हूं, कैसे आपको भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो चलिए गाइस मैं अपने फ्रेंड्स के पास जा रहा हूं, वहां पर से हम सीधा चलेंगे जहां पर मैं प्रैक्टिस करता हूं। बाकी गाइस आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगेगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइस पहले अपने फ्रेंड्स के पास मैं चलता हूँ। तो गाइस अभी मैं निकल चुका हूँ घर से, और तकरीबन मैं आपको बता दूँ तकरीबन 5-6 किलोमीटर मैं जाता हूँ स्टंट करने के लिए। और यहाँ से 5-6 किलोमीटर मेरे फ्रेंड का घर है वो पड़ता है, क्योंकि गाइज वो दूसरे गांव में रहता है, उसको लेके फिर मैं वहाँ से 5-6 किलोमीटर आता हूँ, यानी कि टोटल 10 से 12 किलोमीटर मेरे को जाना पड़ता है डेली के डेली। बाकी गाइज आपको एक जो हैवी बाइक पर उस पर स्टंट नहीं करना, ये ड्यूक 390 एक हैवी बाइक है, इस पे आपसे स्टंट वगैरह नहीं होंगे। तो आप स्टार्टिंग में जब भी स्टंट कर रहे हो तो एक छोटी बाइक ले जिसका सीसी छोटा हो, बाकी उसमें थोड़ी सी तकलीफ तो होगी क्योंकि थोड़ा सा आपको जोर लगाना पड़ेगा शरीर का, तभी वो बाइक उठ पाएगी जब व्हील करोगे तो। लेकिन स्टॉपी आप किसी भी बाइक पे कर सकते हो, बस उसमें ABS नहीं होना चाहिए। बाकी गाइस चलते हैं मेरे फ्रेंड्स के पास, मैं आपको बाकी कुछ डिटेल्स आगे बता दूंगा जब मैं स्टंट वगैरह करूंगा। तो बाकी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, जब भी आप स्टंट वगैरह करो तो अपने गियर्स वगैरह पहन रखे होने चाहिए आपने, स्टार्टिंग में ही पढ़ते हो आप। अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हो ना तो आपको गियर्स वगैरह 100% पहनने हैं, क्योंकि गाइस स्टार्टिंग में एक दो बार गिरोगे आप, 100% ही गिरोगे। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो गिरता नहीं है, क्योंकि गाइस स्टार्टिंग में इतना पता नहीं होता, ब्रेकिंग वगैरह भी नहीं आते। काफ़ी लोग जो व्हीली में ना अगला ब्रेक ट्राई करते हैं लेकिन अगले ब्रेक का कोई काम नहीं होता। आपको जब भी स्टंट कर रहे हो, व्हीली कर रहे हो, तो आपको पिछला ब्रेक है ना उस पर ध्यान रखना है, पिछले पैर से आपको पिछले ब्रेक है ना उससे आपको पैर हटाना ही नहीं है, क्योंकि गाइस अगर आपका व्हीली हो रखा होगा और आपने पैर हटा दिया पिछला ब्रेक से तो आपकी व्हीली है ना वो फेल हो जाएगी, आप पीछे गिर जाओगे। तो आपको जब भी व्हीली कर रहे हो तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि आपका ब्रेक है ना, ब्रेक पे पैर आपको रखना ही है, पिछले पे ये वाले पे रखना ही रखना है, तभी आप यहाँ पर एक अच्छी व्हीली कर पाओगे। तो मैं आपको एक व्हीली करके दिखा देता हूँ वैसे इधर ही। तो जब भी आप व्हीली करो तो मैं आपको एक बार बाइक गिरा के दिखाता हूँ नीचे व्हीली में, जब भी मैं ब्रेक अप्लाई करूँगा उसी टाइम बाइक आगे को आ जाएगी। ये देखो गाइज मैंने यहाँ पर ब्रेक लिया और ब्रेक लेते ही बाइक है ना वो नीचे आ गई। तो जब भी आप स्टार्टिंग में व्हीली करो तो ब्रेक से आपको पाँव नहीं हटाना है। बाकी गाइज स्टंट जो करेंगे वहाँ पर आपको डिटेल से बता दूंगा। तो चलिए पहले हम अपने फ्रेंड्स के पास चल लेते हैं, अभी उसका गांव आने ही वाला है। तो चलिए गाइज मिलता हूँ सीधा फ्रेंड के पास, और उससे बाद सीधा हम मिलेंगे अपने स्टंट जहाँ पर करते हैं उस साइड में। बाकी गाइज ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और एक आपको बता दूं कि हमारा जो न्यू स्टंट बाइक है वो कल आ जाएगा शायद, उसका भी प्रॉपर वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आगे आपको काफ़ी अच्छे खासे स्टंट आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। बाकी एक मनाली का टूर भी हम कर रहे हैं श्वेता और मैं, तो क्या पता 3-4 दिन बाद में हम मनाली के लिए निकल जाए, क्योंकि मेरे को वेट है उस बाइक का, क्योंकि अगर मैं बाहर चला गया तो बाइक को यहाँ पर अच्छी तरह कोई नहीं रख सकेगा, तो मैं उस बाइक का वेट कर रहा हूँ, तभी बाइक आ जाएगा तो हम मनाली के लिए निकल जाएंगे। तो गाइज़ अभी
उसका घर आ ही चुका है, तो मैं उसको ले लेता हूँ यहाँ से। ये उसका घर है, वो सामने ही खड़ा है। चल आ जा। तो गाइस देख सकते हो उसको हमने ले लिया है यहाँ से, बैठा लिया बाइक पे। अब चलेंगे जहाँ पर हमें स्टंट वगैरह करने हैं। इसको लेने का कारण यही है कि आज आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो ये हमारी फ्रेंड से वीडियो बना देगा। तो फ्रेंड से वीडियो आपको अच्छे से आप देख लोगे, तभी मैं इसको लेके आया हूँ। क्योंकि जो हेलमेट पे लगा कैमरा होता है ना, उससे कुछ खास दिखाई नहीं पड़ता। बाइक का ये हिस्सा दिखता है सिर्फ, और कुछ नहीं दिखता। तो ये हमारी वीडियो शूट कर देगा फ्रंट से, ताकि आपको पूरा बाइक दिखे कितना क्या व्हीली हो रहा है, स्टॉपी हो रहा है। तो चलिए गाइज मिलते हैं सीधा डायरेक्ट वहीं पे, यहाँ पर मैं स्टंट वगैरह करता हूँ। तो गाइज फाइनली हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पर हम प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। फ़ोन से जो शूटिंग वगैरह करेंगे वो भाई करेंगे, कुलदीप भाई। तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला, आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में मिल जाएगी कैसे वगैरह प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। तीन तरह की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं स्टंट में। एक तो होगी स्टॉपी, दूसरी होगी हमारी यहाँ पर विली, और एक यहाँ पर पाँव लगा के होती है विली, वो करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो वीडियो कम्प्लीट वॉच कर लेना। तो चलिए गाइस अब स्टार्ट करते हैं, बाकी भाई को फ़ोन दे देते हैं, ये अपनी वीडियो शूट कर देंगे। तो चलिए गाइस सबसे पहले आपको विलीज वगैरह करके दिखाते हैं, थोड़ी मैं भी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तो काफ़ी मज़ा आने वाला आपको। ये चेक करो गाइज, काफ़ी मज़ा आ रहा है व्हीली करके। काफ़ी दिन बाद प्रैक्टिस कर रहा हूँ वैसे तो। तो गाइज वहाँ पर अपनी वीडियो बन रही है, यहाँ पर हम व्हीली करेंगे, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए गाइज व्हीली करते हैं पहले। ये चेक करो गाइज, काफ़ी ख़तरनाक व्हीली हुई है ये। एक बार और ट्राई करते हैं। फर्स्ट गियर में ट्राई कर रहे हैं हम, सेकंड गियर में ट्राई नहीं कर रहे। बाकी एक सेकंड गियर में भी ट्राई करके दिखाऊंगा आपको, देख सकते हैं ये फर्स्ट गियर है। तो एक और ट्राई करते हैं। ये गाइस काफ़ी मज़ा आ रहा है, ये एक और लॉन्ग व्हीली फर्स्ट गियर में। सेकंड गियर में आप एक बड़ी लॉन्ग व्हीली ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो टॉप स्पीड आ जाती है फर्स्ट गियर की, पहले हम फर्स्ट गियर में ट्राई कर रहे हैं। एक दो राउंड करेंगे, उसके बाद सेकंड गियर में भी आपको करके दिखाऊंगा, और हो सकेगा तो थर्ड गियर में भी करके दिखाऊंगा। तो चलिए गाइज एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो गाइज ये थोड़ी सी छोटी व्हीली हो गई, तो थोड़ा सा ध्यान भी रख लेते हैं इधर उधर। ये तो यहाँ से करते हैं सेकेंड गियर में व्हीली। ये गाइस ये चेक करो गाइस विली, ये तो गाइस हमारी जो प्रैक्टिस है विली की वो कंप्लीट हो चुकी है। अब करने वाले हम स्टॉपी की प्रैक्टिस, तो मैं उधर से आऊँगा और यहाँ पर स्टॉपी करूँगा। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइस अब करते हैं स्टॉपी की प्रैक्टिस, कुलदीप भाई अपनी वीडियो बनाएंगे। तो चलिए गाइस चलते हैं, वहाँ से आते हैं और स्टॉपी करने की प्रैक्टिस करते हैं। तो गाइज आपको बता दूं मैं, अगर आपके पास ड्यूक 390 है, अगर आपको स्टॉपी करनी है तो पहले आपको ABS ऑफ करना होगा। तो देख सकते हो मैं ABS ऑफ कर रहा हूँ यहाँ से, ये ABS पे गया, और सुपर मोटो मोड पे आपको क्लिक कर देना है, तो ABS आपका ऑफ हो जाएगा। तो चलिए गाइज अब हम करते हैं हम स्टॉपी। तो गाइज फाइनली हमने अपनी स्टॉपी की प्रैक्टिस है वो कर ली है, ज़्यादा नहीं की क्योंकि आपको पता ही है कि
मैं आपको बता दूँ, इसका सोकर है ना अपने बाइक का, वो लीक है, ये देख सकते हो यहाँ से, तो ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। इसके कारण मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की। बाकी गाइस एक आपको मैं व्हीली मार के दिखाता हूँ, यहाँ पे जो पैर रहेगा अपना इस सीट पे, और व्हीली पॉपअप करेंगे, लेकिन ब्रेक से पैर आपको नहीं हटाना। अगर आप भी ट्राई कर रहे हो तो ब्रेक पे अगर आपने पैर हटा दिया तो आप पीछे गिर जाओगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए गाइस एक पहले हम व्हीली कर लेते हैं, ये वाली पैर वाली, तो इसको क्या बोलते हैं आप कमेंट करके ज़रूर से बताना, देखते हैं कौन सा हमारा सब्सक्राइबर है वो बता पाता है। बाकी गाइस चलते हैं अब व्हीली करते हैं, यहाँ पर पाँव रख के। तो चलिए गाइस अपने कुलदीप भाई अपनी वीडियो बना रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ, आप जब भी ये व्हीली ट्राई करो, पहली बात तो आपको करनी नहीं है ट्राई, क्योंकि आप एक स्टार्टिंग में ये व्हीली नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपने ब्रेक से आपको पैर नहीं हटाना। तो चलिए गाइस अब आ जाते हैं बाइक के ऊपर, पैर मैंने देख सकते हैं यहाँ रख लिया है, अब करेंगे यहाँ से व्हीली। बाकी आपको वीडियो मिल जाएगा ये पूरा फेस के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपको स्क्रीन ही दिख रही होगी। एक बार और ट्राई करते हैं ये व्हीली। ये गाइस काफ़ी मज़ा आ गया ये व्हीली करके, तो काफ़ी लॉन्ग व्हीली हुई। तो गाइस अब हमारी जो प्रैक्टिस वगैरह है वो कम्प्लीट हो चुकी है इस व्हीली के साथ, अभी हम जा रहे हैं घर पे। बाकी गाइज आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइज अब चलते हैं सीधा घर पे। बाकी गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।